वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज व्लॉग बनाने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, 12 बज रहे हैं अभी और आज डेट है 13 अक्टूबर। आज मैं बिल्कुल भूल गई थी, बिल्कुल दिमाग से निकल गया कि यार मेरे को व्लॉग बनानी है। सुबह से बहुत ही ज़्यादा बिजी डे रहा था आज। मैं सुबह जिम गई, उसके बाद जिम से फटाफट आई, सिर्फ 10 मिनट मिलते हैं। उसके बाद जिम से आने के बाद मैं गई अपनी क्लास अटेंड करने के लिए, वहाँ से फिर घर आई, फिर बिल्कुल इसलिए वजह से दिमाग से निकल गया। अब इसलिए इतनी देर से व्लॉग स्टार्ट हो रही है मेरी ना, कि आज जाना है हमको फूड रिव्यू वाली वीडियो बनाने के लिए। तो आई थिंक जब तक ये वाली व्लॉग डलेगी तब तक फूड रिव्यू वाली व्लॉग डल चुकी होगी, क्योंकि ये मंडे को आएगी। मुझे फूड रिव्यू वाली वीडियो बनानी होती है ना, उससे मतलब आज के दिन और कल के दिन मैं यानी मतलब फ्रूट्स और एकदम हेल्दी खाती हूँ, ताकि जो मतलब बैलेंस हो जाए सारी चीज़ें ना साथ में। ये मैंने एकदम वेजिटेबल सैंडविच बना लिए विदाउट मेयो, विदाउट एनी सॉस, मल्टीग्रेन ब्रेड का। फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं अब। ये रहा सैंडविच, बढ़िया सा एकदम, सिर्फ और सिर्फ वेजीज ही वेजीज हैं इसके अंदर। सैंडविच का मतलब रेसिपी चाहिए तो NS किचन पे जाओ, यूट्यूब चैनल है वो, बहुत ही बढ़िया मेरी मॉम का है, बहुत ही हेल्दी हेल्दी आपको रेसिपी मिलेगी वहाँ पे अगर आप डाइट कर रहे हो। ठीक है, अब मैं हो रही हूँ रेडी, क्योंकि 4:30 बज चुके हैं ऑलरेडी और हर्ष भी थोड़ी देर में आने ही वाला होगा। तो फटाफट से तैयार होके मैं निकलती हूँ घर से, क्योंकि बहुत लेट हो गया इस बारी आज, क्योंकि मेरे को घर आके फिर अपनी वीडियो एडिट भी करनी होती है, थंबनेल भी बनाना होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो 2-3 घंटे लग जाते हैं इस चीज़ में। तो फटाफट अब तैयार हो जाते हैं। अनुपमा का सीरियल देखे ना भाई साहब, कसम से दिन की शुरुआत ही नहीं होती है मेरे तो, मतलब इतना कभी कभी बहुत ही घटिया आता है। नो डाउट बहुत सारे लोगों को पता होगा अनुपमा के बारे में, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बड़े यार बढ़िया है यार जो भी है। वीडियो बनाने जाना था करीब, निकल तो गया मुझे, तो पहले मेरे को वीडियो बनाने जाना था लाइक 1 बजे जाना था, बट इसने थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज कर दिया तो अब 4 बजे का बोला है, 4 बजे का 5 ही बजा लो, 1 घंटा तो लगाएगा आने में, आराम से देर से आता है तो 4-5 बजे तक हम जाएंगे जहाँ हमें वीडियो बनाने के लिए जाना है। यार ये फ्लाइंग भी, इसका ये जज्बा देख के ना धोनी के लिए, मतलब मेरे को मज़ा आ गया देख के, मतलब इसने इतनी मेहनत करी यार, कितना ज़्यादा किलोमीटर ये साइकिल पर चल के गया सीरियसली, मतलब इसको कितनी बार चक्कर आए, इसके पैरों में क्रैम पड़े, यानी क्या क्या नहीं हुआ, चोल चक्के भी इसके आसपास घूम रहे थे वो भी दिखाया, तब भी इसने हार नहीं मानी, इतनी धूप में भी चले जा रहा है, मज़ा आ रहा है इसको देखने में। सबसे ज़्यादा बुरा मुझे इस पार्ट पर लगा कि जब रितु मैम ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे ट्रोलिंग हो रही है, तब इनका कितना ज़्यादा मूड ख़राब हो गया कि इनका जर्नी कंप्लीट करने का मन ही नहीं करा, और उसके बाद फिर भी इन्होंने अपनी जर्नी कंप्लीट करी, लिटरली हैट्स ऑफ है इनको, सीरियसली मैं इसको तो मेरा कसम से सैल्यूट है बहुत ही बड़ा। उसने जो काम वो कर रहा है वो बहुत ही बढ़िया कर रहा है, जो भी उसने काम किया, आई मीन कसम से भाई, जितना उसको हेटरेट मिला फिर भी उसने वो काम करा, बट बहुत ही बढ़िया सैल्यूट है उसको, मज़ा आ गया। उसकी सारी सीरीज़ देख रही हूँ मैं और बहुत ही बढ़िया। अब मैं हो रही हूँ रेडी, क्योंकि 4:30 बज चुके हैं ऑलरेडी और हर्ष भी थोड़ी देर में आने ही वाला होगा। तो फटाफट से तैयार होके मैं निकलती हूँ घर से, क्योंकि बहुत लेट हो गया इस बारी आज, क्योंकि मेरे को घर आके फिर अपनी वीडियो एडिट भी करनी होती है, थंबनेल भी बनाना होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो 2-3 घंटे लग जाते हैं इस चीज़ में। तो फटाफट अब तैयार हो जाते हैं। हो चुकी हूँ एकदम रेडी और मैंने वही कपड़े पहनी है जो मैंने अभी एनिवर्सरी पहने थे अभी मेरे पापा की, क्योंकि फिर मेरे को प्रेस करने पड़ते हैं बाकी कपड़े अभी। वैसे मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है क्योंकि हर्ष बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, वो फ्राइडे को हमेशा लेट आता है, मेरे को इसी बात से गुस्सा होता आता है, और फ्राइडे को हमारे दिन में मतलब कंपल्सरी है लड़ाई होना, इस बात पर लड़ाई होएगी होएगी, क्योंकि वो बहुत लेट कर देता है और कभी कभी प्लान कैंसिल भी हो जाता है। तो थर्सडे रात को, आई मीन शाम को या फिर फ्राइडे दिन में लड़ाई होनी ही होनी है इस बात के लिए, कसम से, मतलब खून में खोल आता है एकदम, बहुत ही गुस्सा आ जाता है मुझको। 4 हो चुके हैं और वो भी मतलब निकला भी नहीं है जहाँ पे वो है, वो आने में 1/2 घंटा लग जाएगा, 5 बज जाएंगे ऐसे, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते। पूरे जगह पे आ चुका है जहाँ पे हमें मिलना है, तो मेरे को स्कूटी लेके जाके वहाँ पे मैं पहुँचूंगी, मेरे को कम से कम 7-8 मिनट लग जाएंगे। ये पहले जाके पहुँची, इसमें वो मैसेज नहीं करा कि मैं निकल चुका हूँ, ये जान बुझे था कि मैं 7-8 मिनट लेट हो जाऊँ तो मेरे पे ये सारा बाहर डाल दे और मैं निकलती हूँ फटाफट।
सबर करो। हेलो गाइस, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मतलब उस वीडियो के बाद मैं हर्ष से मिलूंगी एंड हम लोग कहीं जाएंगे फूड रिव्यू के लिए, उसके बाद थोड़ी सी हंसी मजाक होएगा, थोड़ा घूमना फिरना का दिखाएंगे आपको, सब कुछ एडिटिंग वगैरह सब कुछ मैं दिखाऊंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। जैसे ही उसके पास पहुंची, उसको एक इमरजेंसी कॉल आ गया जिस वजह से उसको जाना पड़ गया वहां पे। तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। थोड़ा सा मूड खराब हो गया कि यार वीडियो नहीं बनी हमारी फूड रिव्यू की, मिस हो जाएगी ये वो, तो इसलिए मेरा भी मूड खराब हो गया और मेरा भी मन नहीं करा पूरा व्लॉग करने का बताने का। रियली रियली सॉरी आज के लिए कि फूड रिव्यू नहीं आएगी, सीधा ये व्लॉग डाल रही हूँ मैं, मतलब ये व्लॉग मंडे को आने वाली थी बट ये व्लॉग सैटरडे को जा रही है। सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। बाय।